हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है मेल हार्मोन्स को लेकर, जिसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से हम जानते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही पाया जाता है। पुरुषों में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और महिलाओं में इसकी मात्रा ना के बराबर होती है। पुरुषों में अगर देखा जाए तो ये अंडकोशों यानी कि टेस्टिस में बनता है और महिलाओं में अंडाशय यानी कि ओवरी में बनता है। मस्तिष्क के आधार पर एक पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ये इसको कंट्रोल करने में बड़ी सहायक होती है। तो इसके होने से काम उत्तेजना बढ़ती है या ग्रोथ होने लगती है, जननांगों की ग्रोथ होना, मांसपेशियों की ग्रोथ होना, हड्डियों का विकार होना, या कई बार आपने देखा होगा युवावस्था में दाढ़ी मूछ का आ जाना, या कई बार आपने देखा होगा मूछ दाढ़ी का सही से ना आना, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे आना या ना आना बिल्कुल भी, ये इसी पर ही डिपेंड करता है। अगर इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो इनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती, यानी कि दाढ़ी मूछ सही से आ नहीं पाती। या पुरुषों में देखा होगा आपने गायनेकोमेस्टिया हो जाती है, यानी कि उनकी छाती औरतों जैसी लगने लगती है, तो ये भी इसकी कमी से हो जाती है। जब इसकी कमी हो जाती है तब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कोई ऐसा व्यक्ति है कि किसी की इच्छा शक्ति कम करती है, सेक्स के प्रति या किसी भी चीज़ की चिड़चिड़ापन, थकान, ये इसी से ही रिलेटेड होती है। महिलाओं में आपने देखा होगा कई बार अगर ये महिलाओं में इसका ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है तो महिलाओं में अनचाहे बाल आ जाना, चेहरे पर, छाती पर जगह जगह बाल आ जाना, या हार्मोनल इंबैलेंस हो जाना, PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड वगैरह, ये सारे सिम्टम्स औरतों में लगे रहते हैं, बालों का झड़ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उनको फेस करने पड़ जाते हैं इसकी वजह से। तो आज मैं बता देता हूँ आपको कि आप अपने थोड़े से बदलाव करें, खान पान में ही इसको मेंटेन कैसे करें, या आयुर्वेदिक के अनुसार कोई ऐसी औषधि हो जो बहुत तेज़ी से लेवल इसका बढ़ा दे। बाकी महिलाओं के लिए मैंने वीडियो अपलोड की हुई है हार्मोनल इंबैलेंस के लिए, आप वो कर सकते हैं अगर किसी तरह की आपको ऐसी परेशानी है। लेकिन पुरुषों में ऐसी परेशानी है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन जा चुका है, उनको पता, टेस्ट भी करा रहे हैं लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ नहीं रहा, तो वो क्या करें? सबसे पहले और ज़रूरी बात, अगर कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो इसको आप अवॉइड कर दें, इसको ना करें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने की बजाय घटाता है और इससे भी दिक्कतें, कॉम्प्लिकेशन आने लगती है पूरी लाइफ में। आपको ही पता है नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए नुकसानदायक है, तो इसका सेवन आप ना करें, ज़्यादा उचित रहेगा। बहुत से ऐसे हैं कि चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, चाय का ज़्यादा सेवन ना करें, नुकसानदायक। बहुत से ऐसे भी हैं मोटापे से ग्रसित हैं तो उनमें भी ये परेशानी हो जाती है। बहुत से ऐसे हैं कि लंबे समय से किसी भी दवाई पर डिपेंड है तो उनको भी ये परेशानी हो जाती है, चाहे वो किसी बीमारी से जूझ रहे हो, अगर वो लंबे समय से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का स्टेरॉइड, एंटी स्टेरॉइड या किसी भी तरह का, तो उससे भी ये परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल तेज़ी से कैसे बढ़े। तो इसके लिए आप चूना खाना स्टार्ट कर दें, चूना सबसे जल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएगा। लेकिन तरीका क्या है इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का? आप चूना गेहूं के दाने के बराबर लेंगे सुबह खाली पेट अनार के जूस में, अगर अनार का जूस अवेलेबल ना हो तो दही में मिलाकर ले लें, सुबह खाली पेट लें, ज़्यादा उचित रहेगा, एक तो ये रहा। लेकिन चूना, अगर किसी को पथरी की शिकायत है, बार बार पथरी बनती रहती है, पथरी है फिलहाल, तो चूना वो ना खाएं, चूना आपके लिए नुकसानदायक है, पथरी को और वो बढ़ा देगा, आपको जो दर्द रहता है पथरी की वजह से वो और बढ़ सकता है, तो पथरी वाले इसको सेवन ना करें। अगर किसी को पथरी की शिकायत नहीं है तो बेफिक्र होकर कर लें, कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन का कैसे करें? अभी गर्मी का माहौल है, एक ही लहसुन की कलियां ले लें आप, अच्छी तरह से छील लें उसको, ऐसी कच्ची, भूनना नहीं है उसको, और आप उसको ऐसी सटक लें या चबाकर खा लें, ऊपर से गुनगुना करके पानी पी लें। दूसरा तो ये रहा। तीसरा क्या है इसका? आप अलसी ले लें, यानी कि फ्लैक्सीड, आप सभी जानते हैं फ्लैक्सीड ले लें, अलसी या तीसी भी कहा जाता है उसको, उसको थोड़ा सा रोस्टेड कर लें तवे पर या किसी कढ़ाई में भून लें, अच्छी तरह से भून कर पीस लें, बारीक पाउडर बना लें, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम थोड़े से गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी के साथ लेना शुरू कर दें। कुछ दिन लगातार लेंगे, महीने डेढ़ महीने, तो प्रॉपरली पूरी तरह से आप ठीक हो चुके होंगे। और चूने का प्रयोग आप लगातार 3 महीने तक कर सकते हैं। चूना ग्रोथ भी करता है, हड्डियाँ मजबूत भी करता है, विटामिन भी होता है इसके अंदर, बहुत खूबी है। बाकी आप टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो महीने डेढ़ महीने, 2 महीने कर लें, या लास्ट 3 महीने तक भी कर सकते हैं, कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। ऐसे ही आप लहसुन का प्रयोग 2-3 महीने तक कर सकते हैं, कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं
तो चौथा उपचार मैं बता देता हूँ, बाकी आपको मैं जितने भी उपचार बताऊँ सारे कारगर हैं, सारे आजमाए हुए हैं, आप किसी भी एक का सेवन कर सकते हैं। तो इसके लिए आंवला ले लें आप, आंवले का पाउडर लेना है। अगर आंवले का पाउडर आप बना बनाया लेंगे तो मेरा कहना ये नाले ज़्यादा उचित रहेगा, खुद बना लें, ईजी है बहुत बनाना। सूखे हुए आंवले किसी भी पंसारी से आपको मिल जाएंगे, पीस के बारीक पाउडर बना लें, 50 या 100 ग्राम की मात्रा में ले लें। अब लेना कैसे, आपको आधी पौनी चम्मच, यानी कि आधी चम्मच ले लें, बहुत है आधी चम्मच ले लें किसी बर्तन में, और इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं, अच्छी तरह से मिक्स करके उसको आप खा लें अच्छी तरह से। पानी का सेवन करना 15 से 20 मिनट बाद, ऊपर से पानी पी लें बस। सुबह शाम इसी तरह से आप ले लें एक, ये भी आप कर सकते हैं लगातार 2 महीने, कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी प्रकार के, और तेज़ी से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है, कोई ऐसा है कि मांस मच्छी खाता है, पसंद करता है, तो उनके लिए बता देता हूँ, अंडे का सेवन कर सकते हैं, या तो कच्चे अंडे का सेवन कर सकते हैं दूध में फैट कर, या फिर उबले हुए अंडे का सेवन आप कर सकते हैं, इससे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। फिर आप आते हैं दूसरी चीज़ मांसाहारी में, मछली, मछली का सेवन आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। बाकी बहुत से ऐसे हैं कि अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा भाई इसके अंदर आप आंवले का सेवन और कर दें। अगर बहुत से ऐसे हैं कि भाई ये पाउडर पसंद करते हैं खाना स्टेमिना के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, तो आप इसके अंदर इतनी ही मात्रा में सूखा हुआ आंवला ले आएँ, पीस के बारीक पाउडर बनाकर इसके अंदर ऐड कर लें, और एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना शुरू कर दें। जैसे भी आप ले रहे हैं इस तरह से ले लें, लेकिन आंवला और मिला लें, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे आपके। बाकी अगर साग सब्जियों के बारे में बात करें, तो हरी साग सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, फलों का सेवन करें। फलों में ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, केला, अनानास, ऑरेंज, ये सबसे अच्छा स्रोत है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का। दूसरा, आप दूध पिए, दूध से बनी हुई चीज़ें खाएँ, इससे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। बादाम, मूंगफली, ये चीज़ें खाएं, इससे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। बाकी विटामिन डी से भरपूर चीज़ें खाएं, सबसे अच्छा स्रोत है इसका धूप, तो आप थोड़ा सा धूप ले लें, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट भी अगर धूप में बैठ जाएं तो अच्छा है, लेकिन सुबह सुबह की धूप लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ें तो उससे अच्छा स्रोत कुछ भी नहीं है विटामिन डी के लिए। बाकी आप नींद पूरी लें, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, मीठे का सेवन इसमें कम कर दें, ऐसा नहीं है कि मीठा बिल्कुल बंद कर देना है आपको, मीठा खाएं लेकिन लिमिटेड खाएं। बहुत सी आप बार आदत होती है कि मीठा ज़्यादा खाने की, तो मीठे ज़्यादा खाने की इसमें आदत कम कर दें, लिमिटेड मीठा खाएं आप। बाकी आप किसी भी एक चीज़ का प्रयोग करें, जो भी मैंने प्रयोग बताए हैं आपको, ये इसलिए इतने सारे बता दिए हैं, जो आपको उचित लगे वो कर लें, लेकिन हाँ आपको जो परेशानी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बन नहीं रहा आपका, बढ़ नहीं रहा, आप कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, थक चुके हैं, तो भाई ये कर लो, और सबसे अच्छा स्रोत मैंने बता दिया है चूने का, लेकिन अगर किसी को पथरी हो तो चूने का प्रयोग ना करें, बाकी कुछ भी कर लें इसमें से बस, बाकी तनाव ना लें, माइंड फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें बस। बाकी यही आशा करता हूँ, जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।